सुप्रभात। आज सभी पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि हम बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे विकसित कराएं। हेल्दी डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर स्कूल एज वाले बच्चों को। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी ग्रोथ का ये बेस्ट पीरियड होता है और इसमें बहुत ही अच्छी डाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इस डाइट को खिलाने के लिए बच्चों को जो बाहर की टेम्पटेशन है उससे हमें दूर कैसे करें, इसके लिए आज हम बहुत ही सिंपल से तरीके समझेंगे। सबसे पहले तो आप बच्चों को खाना बनाने के प्रक्रिया में उनको शामिल करें, उनको इन्वॉल्व करें। रेफ्रिजरेटर से जब आप सब्ज़ी निकालते हैं उसमें उनकी हेल्प लें। जब वो खाना बनाने में आपको मदद करेंगे तो उनका टाइम इन्वेस्ट होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है और उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिससे कि उन्हें खाना खाने में रुचि होगी। सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको खाना चूज़ करने के ऑप्शंस दें। आप फिक्स नहीं करें, फोर्स नहीं करें, उनको ऑप्शंस दें हेल्दी फूड्स पे से, जिसमें वो चूज़ कर सकें। जब वो खुद अपनी चॉइस से अपना फूड चूज़ करेंगे तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट से खाएंगे। तीसरा, आकर्षण आँखों का, क्योंकि बच्चे सिर्फ पेट से या मुंह से नहीं खाते हैं, वो आंखों से खाते हैं। जितना ही आकर्षित फूड होगा उतना ही उनको खाने की इच्छा होगी। उनको प्रेरित करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए, और पानी में पानी ही ऐसा ड्रिंक है जो उनको अच्छी हेल्प करेगा। उसको एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसको अवॉइड करें। सारा परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करेंगे तो बच्चों की रुचि भी बनेगी और वो दिन भर में जितनी भी क्रियाएं उन्होंने की हैं उसके बारे में आपसे शेयरिंग करेंगे। इससे एक बहुत अच्छा बॉन्ड डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं फीडिंग रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपके आगे के जीवन में बहुत काम आएगा। धन्यवाद।